वेलकम टू एफएनएन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका एसएसटी का एसएस सेकंड के बाद से ही 5th चैप्टर है। ठीक है बेटा, दो हिस्ट्री के चैप्टर हो गए हैं आपके, एक ज्योग्राफी का, एक सिविक्स का, यानी 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। 5th चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। कृषि यानी जो सभी काम जो कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है यानी जो भी काम कुदरत से जुड़े हुए होते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, मुर्गियाँ पालना, जानवर पालना। ठीक है, और उससे उनको मतलब उनसे जो है पैसे कमाना। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। इसके अलावा इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि खाली खेती बाड़ी ही इसके अंदर आएगी, इसके अंदर जानवर पालना भी आता है, लाइफ स्टॉक भी आता है। तो आप चैप्टर में देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम देखेंगे। ठीक है ना, और कल्टीवेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एग्रीकल्चर रेफर्स मेनली टू द टिलिंग ऑफ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। किस लिए? ताकि उसमें क्रॉप्स उगाए जा सके, यानी फसल उगाई जा सके। एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, और साथ साथ रेयरिंग बोलते हैं यानी उनका जैसे जानवरों को पालना, उनसे जो है उनके जो बाल हैं वो बेचना, या फिर उनका जो मतलब जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह का दूध बेच करके उससे पैसा कमाना, या फिर अगर मुर्गी पाल रहे हैं तो उससे उसके अंडे बेचकर पैसा कमाना, तो ये रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक में आ जाता है। ठीक है बेटा, प्लांट स्पीशीज दैट हैव बीन सेलेक्टेड बाय ह्यूमंस टू बी कल्टिवेटेड फॉर देयर यूज आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो कह रहे हैं क्रॉप्स क्या होती हैं? कह रहे हैं प्लांट की वो स्पीशीज, यानी प्लांट की वो प्रजातियां जो कि कोई भी ह्यूमन सेलेक्ट करता है, उनको कल्टिवेट करता है, उनको उगाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनको सेल कर देता है या फिर अपने यूज के लिए रख लेता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। लाइफ स्टॉक रेफर्स टू एनिमल्स, कैटल, गॉड्स, शीप एंड पोल्ट्री रियर टू बी यूजफुल टू ह्यूमंस। लाइफ स्टॉक के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में क्या क्या आता है बेटा? कैटल आते हैं, कैटल यानी चढ़ने वाले जानवर। ठीक है, गॉड्स है, शीप है, और पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी हैन यानी मुर्गियाँ। ठीक है, रियर टू बी यूजफुल टू ह्यूमन, जो कि जिनका पालना जो है इंसान के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। समटाइम्स फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, रियरिंग फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। तो कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, फॉरेस्ट्री यानी जंगलात में जो लोग रहते हैं तो उनसे क्या करते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं लोग, जंगलों से किस तरह फायदा उठाते हैं कि मतलब उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो खा लेते हैं, और उससे जो लकड़ी होती है, जो लकड़ियाँ काटते हैं जंगलों से उनको बेच करके उससे अर्निंग होती है उनकी। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री इसका कह सकते हैं पेड़ लगाना और सूखे पेड़ उनको काटना, ये सब इसमें काउंट हो जाएगा। तो इसके अलावा कहते हैं फिशिंग, यानी अगर मछलियाँ वगैरह वो पाल रहे हैं तो वो भी किस में आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। ठीक है बेटा, कह रहे हैं मछलियाँ पालने को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, द डिग्री ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज लिमिटेड बाय सर्टेन फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टेम्परेचर एंड रेनफॉल, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज अवेलेबल टेक्नोलॉजी लाइक मैकेनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, स्टोरेज फैसिलिटीज, इरीगेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा ऑल्सो इफेक्ट एग्रीकल्चर। तो कह रहे हैं कि किसी भी एरिया में एग्रीकल्चर कितना डेवलप होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, मतलब उसके लिए ना कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि लिमिटेड है, यानी मतलब ये डिपेंड करता है कि सपोज किसी भी एरिया के अंदर अगर खेती बाड़ी अच्छी हो रही है ना, तो ये डिपेंड करेगा ना उस एरिया में कितनी मिट्टी कैसी है, वहाँ की फर्टाइल है या नहीं है, बारिश कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, इन्होंने बताया क्लाइमेट वहाँ का, वहाँ की टोपोग्राफी है ना, टाइप ऑफ सॉइल मैटर करता है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पर, रेनफॉल कितनी होती है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। साथ में और क्या चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ेगा, वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि अवेलेबल टेक्नोलॉजी कितनी है उस एरिया में, ठीक है, मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण है या नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है फार्मर्स की, कि वो अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं कि अगर फसल उग गई और काटने के बाद उसको रखा कहाँ जाएगा, इरीगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यानी इरीगेशन यानी पानी वगैरह का जो सिंचाई का जो सिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, यानी अगर फसल कट भी गई, स्टोर भी हो गई, तो बेचने के लिए मार्केट्स हैं या नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी बनी हुई हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं, उस पर असर डालती हैं। अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो जाहिर है कि एग्रीकल्चर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे, और अगर ये चीज़ें थोड़ी भी नेगेटिव होंगी तो एग्रीकल्चर भी नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, द फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर वेरी कॉम्प्लेक्स, एज सच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। इन द फॉलोइंग सेक्शन एन अटेम्प्ट इज मेड टू क्लासीफाई द एग्रीकल्चरल टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो कह रहे हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है यानी फसल उगाना, काटना, स्टोर करना, ये सब जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको बता नहीं सकते हैं कि किस किस एरिया में, पूरे वर्ल्ड में किस एरिया में किस टाइप की कल्टिवेशन होती है, तो ये ज़रा मुश्किल काम है कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, एक अटैम्प्ट किया है, ताकि हम जो टाइप ऑफ कल्टिवेशन है उसको हम क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें, यानी अलग अलग क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो हमने कुछ एग्रीकल्चरल टाइप जो है वो दिखाए हैं, उनकी किस बेस पर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर।
यानी उनकी खासियत के आधार पर जो है हमने उनको कुछ को बांट रखा है। तो क्या क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका बेटा 19.1 के अंदर शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होती है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप है ना। तो इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इट इज अ सिंपलेस्ट सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव मेथड ऑफ फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय कटिंग अ पैच ऑफ फॉरेस्ट और बाय बर्निंग बुशेज एटसेट्रा। द पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड देन कल्टिवेटेड। तो कह रहे हैं कि ये जो है एक सिंपल सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव मेथड था फार्मिंग का, यानी खेती बाड़ी करने का ये एक प्राचीन तरीका है और वो भी सब्सिस्टेंस। तो बेटा देखिए यहाँ पर ना दो टाइप्स हैं कल्टिवेशन के, ठीक है। एक सब्सिस्टेंस है और दूसरा है हमारा कमर्शियल। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्सिस्टेंस कमर्शियल। अब सब्सिस्टेंस क्या होता है और कमर्शियल क्या होता है, देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसके अंदर कोई भी किसान जो है वो इतना ही मतलब इतनी ही फसल उगाता है जितनी उन्हें जरूरत होती है कि वो अपने लिए इकट्ठा कर ले या फिर अपने आसपास वाले लोगों को मतलब अपने पूरी फैमिली के लिए पूरे खानदान के रिश्तेदारों के लिए बस इकट्ठा कर ले, बस ज़्यादा नहीं। तो उसके अंदर उसका मकसद जो है वो उस फसल को बेचने का नहीं होता, ठीक है बेटा। यानी अपनी फैमिली के लिए जितना वो उगा रहा है उसको हम सब्सिस्टेंस बोलते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब किसान का जो मकसद होता है वो होता है कि मतलब उसको इसका क्या करना है, व्यापार करना है, इसको बेचना है, ठीक है। इसको बिल्कुल कमर्शलाइज क्रॉप्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं कि इसके इस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, इसको जो है ना कि जमीन का एक हिस्सा लेते हैं, मतलब जमीन का कोई सा भी हिस्सा लेकर के उसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट यानी जंगलात वगैरह जो भी होते हैं उसके आसपास उनको काट देते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी पेड़ है या फिर जो झाड़ियां हैं सूखी झाड़ियां जो है खराब पेड़ जो उन सबको जलाकर वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है ना वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है जमीन का वो बिल्कुल साफ किया जाता है। उसके बाद उसको कल्टीवेट किया जाता है। जलाने का मतलब क्या है कि उसको मिट्टी में मिला देते हैं ताकि जमीन जो है फर्टाइल हो जाए। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको क्या एक और नाम इसका क्या है बेटा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नाम भी है इसका, ठीक है। मोस्टली रूट क्रॉप्स आर ग्रोन लाइक टेपियोका, कसावा, मोनियाक, यम्स और मेज, मिलेट्स एंड राइस। तो कह रहे हैं ज्यादातर कौन सी जो रूट क्रॉप कौन सी क्रॉप्स है जो वहां पर उगाई जाती हैं मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू, तो वो ज्यादातर कौन सी बेटा रूट क्रॉप्स है, यानी जड़ों वाली जो यानी जिसकी जड़ें हम खाते हैं। जैसे कि सपोज आप देख लीजिए स्वीट पोटैटो है ना। तो अब यहाँ पर हम बताया टेपियोका है, कसावा है, मैनियोक है, यम्स है, मेज है, मिलेट्स है और राइस है। तो ये सभी जो है ये रूट क्रॉप्स है वहां पर जो उगाई जाती है, इनकी मतलब बाकायदा जड़ें निकलती हैं इनकी। नॉट मच अटेंशन इज पेड टू कल्टिवेशन व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी द पीपल जॉइन टुगेदर हार्वेस्टिंग स्टोर फॉर कंजम्पशन। तो कह रहे हैं कि कल्टिवेशन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही जो है उनकी बैठ करके निगरानी करनी पड़ेगी। जब क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं तो सभी पूरे जैसे गांव वगैरह जो होते हैं पूरे गांव के लोग मिलकर के उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं और उसके बाद अपने ही पास उसको स्टोर कर लेते हैं कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है बेटा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय ट्राइबल पीपल। दे स्टे एट वन प्लेस फॉर सम टाइम, बर्न द वुड, कल्टीवेट एंड व्हेन विद इन 3 or 4 hours द सॉइल इज इरोडेड ओवर रन बाय वीड्स, दे लीव दैट एरिया एंड माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। तो क्या है इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये ज़्यादातर कौन लोग करते हैं, ट्राइबल पीपल करते हैं यानी आदिवासी करते हैं, यानी जो जंगलात में रहते हैं, ठीक है। ये लोग जो है एक जगह पर रहते हैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ की लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, वहाँ पर कल्टिवेशन करते हैं यानी फसल उगाते हैं, 3-4 साल वहाँ पर रहते हैं जब तक वहाँ की मिट्टी सही रहती है, ठीक है। तो तब वहीं पर वो खेती बाड़ी करते रहते हैं। जब वहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी भर जाती है वीड्स वगैरह से या पूरी खराब हो जाती है तो उस जगह को छोड़ करके वो कहाँ चले जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। दे आर दस नॉमेड्स। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, नॉमेड्स बोलते हैं या बंजारे कह सकते हैं, ठीक है। द लैंड बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, द नॉमेड्स कैन नीदर परचेज नॉर सेल द लैंड। तो कह रहे हैं कि वो जमीन जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, ना तो नॉमेड्स जमीन खरीदते हैं और ना ही जमीन को बेचते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज वाई शिफ्टिंग फार्मिंग इज बीइंग डिस्करेज नाउडेज। तो कह रहे हैं कि ये माना जाता है कि जो फार्मिंग है यानी इस तरीके की जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ये क्या कर रही है, इससे जो है मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और मिट्टी बर्बाद हो रही है और फॉरेस्ट भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए शिफ्टिंग फार्मिंग को आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है, यानी इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। शिफ्टिंग फार्मिंग इज डन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लडांग इन इंडोनेशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, केंगिन इन फिलीपींस, रे इन वियतनाम, रोका इन ब्राजील एटसेट्रा। तो कह रहे हैं शिफ्टिंग फार्मिंग के अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में उसको झूम कल्टिवेशन बोलते हैं या झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में लडांग बोलते हैं और जी सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, फिलीपींस में केंगिन बोलते हैं,
वियतनाम में रे बोलते हैं, ब्राजील में रोका बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो कह रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसका खासकर कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, यानी कहाँ पर उसको ज्यादातर फॉलो किया जाता है, तो वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के आसपास का एरिया है। इसके अंदर यानी साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका आ जाएगा और साउथ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है। इन इंडिया शिफ्टिंग फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। तो कह रहे हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर होती है ये, जो आदिवासी करते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में होती है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, झारखंड में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में, यानी असम दिसपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रह जाते हैं। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या होती है बेटा, झूम कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, 19.2 है आपकी सेडेंट्री इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन अ परमानेंट बेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, द फार्मर सेटल परमानेंटली एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे कीप ऑन कल्टीवेटिंग ऑन द सेम लैंड होल्डिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो कह रहे हैं कि इस टाइप की जो फार्मिंग है, यानी इस टाइप की जो खेती बाड़ी है, वो एक परमानेंट बेसिस पर की जाती है, यानी एक पूरा जो टुकड़ा है जमीन का वो परमानेंटली किसी एक किसान को बिलोंग करता है। किसान वहीं पर आसपास अपने घर बनाते हैं, वहीं सेटल होते हैं परमानेंटली। ठीक है, वो जगह जगह नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और वो उसी जमीन पर हर साल जो है नई नई फसलें उगाते रहते हैं और वो जमीन उनके होल्ड में होती है। ठीक है बेटा, द साइज ऑफ द फार्म इज यूजुअली स्मॉल। इनका जो मतलब जो जमीनों का साइज होता है वो ज्यादातर बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे साइज की जमीनें होती हैं ये। द यूज ऑफ एनिमल्स एंड मैनुअल लेबर इज मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसके अंदर एनिमल्स का इस्तेमाल और फिर जो लेबर यानी मजदूरों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। द लैंड इज कल्टिवेटेड इंटेंसिवली सो एज टू ग्रो 2 or 3 क्रॉप्स अ ईयर। तो इस जमीन पर जो है बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं ताकि एक साल में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकें। द यूज ऑफ मशीनरी इज लेस, मशीन का यूज भी बहुत कम होता है। काउडंग एंड ग्रीन मैन्योर इज लार्जली यूज टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। और काउडंग यानी गाय भैंस का गोबर वगैरह का इस्तेमाल, या इसके अलावा ग्रीन मैन्योर जो होता है यानी हरी खाद जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, हायर्ड लेबर इज ऑफन लेस एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ अ फार्मर देमसेल्व्स वर्क ऑन द फील्ड्स। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो यानी जिसको पैसे देंगे ऐसा कोई लेबर नहीं होता, ज्यादातर फैमिली के मेंबर्स ही काम करते हैं इन खेतों में। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एटसेट्रा। तो आप कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर होती है ये वाली जो खेती होती है, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स में, यानी बहुत घने जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है, नाम इन्होंने सब बता दिए हैं, इसमें हमारे इंडिया का नाम दिए है ना बेटा। राइस इज द मेन क्रॉप बट अ ग्रेट वेराइटी ऑफ अदर क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट आर ऑल्सो प्रोड्यूस। तो कह रहे हैं कि राइस जो है यहाँ की मेन क्रॉप है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कि क्या क्या है यहाँ पर है, वीट, बार्ले, मेज, कॉटन, मिलेट्स, शुगर केन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा आर द अदर क्रॉप्स। कह रहे हैं चावलों के अलावा ये सभी फसलें हैं, ये भी उगाई जाती हैं। ठीक है, मौसम के हिसाब से जैसे जैसा मौसम होता है वैसे वैसे ये सबको इन सबको उगाया जाता है। नाउ मॉडर्न मेथड्स आर ऑल्सो बींग इंट्रोड्यूस, मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स आर ऑल्सो बींग यूज। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर बींग ग्रोन विच गिव्स मच हायर यील्ड्स पर हेक्टेयर। तो कह रहे हैं अब जो है फिलहाल मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडर्न मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, सीड ड्रिल्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स का इस्तेमाल हो रहा है अब। ठीक है, अच्छी से अच्छी फसल पाने के लिए बहुत ज़्यादा हायर यील्ड्स का भी मतलब ये है कि अच्छी से अच्छी फसल उगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जितना भी एरिया है उस एरिया को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है बेटा, ये हो गया आपकी सेकंड टाइप। अब देखिए थर्ड टाइप 19.3, ये है आपकी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। दिस इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर मोस्ट ऑफ द एग्रो प्रोडक्ट्स आर मार्केट ऑप्टेन ओरिएंटेड, इवन द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रोन आर मेंट फॉर सेल। तो कह रहे हैं कि ये जो है ये कमर्शियल टाइप ऑफ क्रॉप है, यानी कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है। इसके अंदर जितना भी चीज़ें जो भी चीज़ उगाई जाती हैं, जितने भी एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, यानी उन सबको बेचा जाना होता है ये सोचकर उगाया जाता है ना। इवन अगर खाने की भी कुछ चीज़ें हैं तो वो भी बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं ताकि वो बेची जा सकें। हियर द साइज ऑफ द फार्म इज क्वाइट बिग, ऑफन मोर देन 1000 हेक्टेयर्स। ऑन सच बिग फार्म्स मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन विद मशीनरी, दीज आर दस हाईली मैकेनाइज फार्म्स। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन स्पार्सली और मॉडरेटली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है फार्म के साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया में ये फार्म्स लगे होते हैं और लगभग 1000 से भी ज़्यादा हेक्टेयर्स में। ठीक है बेटा,
कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर ज्यादातर जो काम होता है वो मशीनरी करती है और ये सभी हाईली मैकेनाइज्ड फार्म्स है, यानी यहाँ पर बाकायदा सारी मशीनों की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये स्पार्सली और मॉडरेटली पॉपुलेटेड, यानी बहुत ही ऐसे ऐसे जगह पर होती है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या पर वहाँ पर कम आबादी, यानी ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ये वाली जो खेती ये नहीं की जाती है ना। पूरी दुनिया के अंदर ये वहीं पर होती है जहाँ पर या तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर नॉर्मल मतलब ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। This type of farming is being practiced in the mid-latitude grasslands. These regions have low amount of rainfall and the growing season is not long. तो ये बता रहे हैं बेटा कि ये जो फार्मिंग है इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मतलब इसका जो यूज हम कर रहे हैं कहाँ पर फॉलो की जाती है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड में फॉलो की जाती है ये, और ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है ना, मतलब कम बारिश होती है। एंड द ग्रोइंग सीजन इज नॉट लॉन्ग, और जो मतलब जब कोई चीज उग पाती है तो वो सीजन भी बहुत लंबा नहीं होता, यानी कि पूरे सारी आप चीजें उगा सकते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ये होता है। द सॉइल इज रिच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, द मेन एरियाज वेयर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन आर द स्टेपी लैंड्स ऑफ रशिया, प्रेरीज ऑफ कैनेडा एंड यूएस, पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी बता रहे हैं कि आगे जो सॉइल होती है वो अच्छी होती है, रिच होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें आसानी से उग जाती हैं, लेकिन पूरे साल नहीं है ना, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो कौन कौन से दुनिया के कौन कौन से एरियाज में इसको फॉलो करते हैं बेटा, तो ये है स्टेपीज हैं रशिया के अंदर, प्रेरीज हैं कैनेडा और यूएस के अंदर, बड़े ग्रास लैंड्स के नाम है जहाँ पर इनको उगाया जाता है, ठीक है ना, उन जगहों के नाम है ये। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। Although cattle farming is also practiced here, yet the area and the crops is expanding and as a result the grasslands are shrinking, giving way to agricultural farmlands. तो कह रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर कैटल फार्मिंग भी की जाती है, यानी जानवरों को भी पाला जाता है, लेकिन क्योंकि जो क्रॉप्स का एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो grassland जो है वो कम हो रहे हैं, यानी श्रिंक हो रहे हैं ना, तो एग्रीकल्चरल फार्मलैंड जगह ले रहे हैं, यानी पूरी खेती बाड़ी की जमीन बढ़ती जा रही है और जो मतलब कैटल फार्मिंग है उसको कम किया जाना कम होती जा रही है वो साथ साथ। These parts are the granaries of the world. Wheat is the most important crop of these areas. Other crops are corn, barley, rye, oats and cotton. तो कहने की ये जो parts हैं इनको क्या कहते हैं, दुनिया की granaries बोलते हैं, यानी सारा जो दुनिया में जितना भी खाने पीने का जो सामान चल रहा है वो ज़्यादातर यहीं से ही आ रहा है, ठीक है। तो इनकी जो important crop है, main crop जो है वो क्या है, wheat है, लेकिन इसके अलावा और भी crops हैं जैसे कि corn है, barley है, rye है, oats है और cotton है, ये सब भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। Because of less labor and more mechanization, per person yields are quite high. तो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर लेबर कम लगती है और मैकेनाइजेशन ज़्यादा है, यानी मशीनीकरण ज़्यादा है, तो इसलिए हर इंसान पर जो जो यील्ड है यानी जो फसल है वो ज़्यादा बैठती है आकर के, ठीक है। आप देखिए बेटा नेक्स्ट है आपके 19.4, ये है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग एंड अ मोनोकल्चर प्लांटेशन फार्मिंग इज दैट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर विच इज स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप ओवर लार्ज एस्टेट्स और फार्म्स वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड वेयर द प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स मार्केट ओरिएंटेड। तो अभी कह रहे हैं कि ये भी टोटली क्या है, कमर्शियल टाइप है। बेटा मैंने आपको बताया था ना दो टाइप्स होते हैं इसके, एक सब्सिस्टेंस और एक कमर्शियल। तो दोनों ऊपर वाली जो दोनों हमने पढ़ी हैं अभी, तो वो भी क्या है, यानी ऊपर वाली और ये वाली दोनों कमर्शियल टाइप है, यानी इसका ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है, बेचने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, यानी सेलिंग को ध्यान में रखकर की जाती है। तो कह रहे हैं कि ये एक मोनोकल्चर प्लांटेशन है। मोनोकल्चर मतलब मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी इसके अंदर जो फसल उगाई जाती है वो मतलब बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स में या कई सारे फार्म्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज उगाई जाती है, ठीक है, सिंगल क्रॉप होती है ये। बहुत बड़े एस्टेट्स या फार्म्स के अंदर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, जहां पर ज्यादातर जो वर्क है जितना भी ज्यादातर काम है वो साइंटिफिक बेस पर होता है, और जहां पर वहां पर जो भी प्रोडक्ट बनकर आता है, यानी सपोज कि कोई भी प्रोडक्ट बनकर आएगा तो पहले उसको प्रोसेस किया जाएगा, यानी पहले उसको बनाया जाएगा तब वो मार्केट में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम चाय की पत्ती का, तो चाय की जो पत्ती है तो वो बागानों से कैसे थोड़ी टूटती है बेटा, वो तो पत्तियां टूटती है ना, लेकिन हमारे पास घरों में जो आती है काले रंग की बहुत छोटी छोटी सी बूंदी बूंदी सी आती है ना, तो ये नहीं वो प्रोसेस्ड होती है मशीन के अंदर, उसके बाद जाकर वो पैकेट में पैक होती है, उसके बाद जाकर वो हमारे घरों को पहुंचती है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लांटेशंस हैव बीन डेवलप्ड इन ट्रॉपिकल रीजंस अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। द प्लांटेशंस आर लार्ज इन साइज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स आर नीडेड टू वर्क ऑन देम। दो देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स दैट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रॉफिटेबल। तो अभी कह रहे हैं कि ज्यादातर जो प्लांटेशंस हैं वो कहाँ पर उगाई जाती है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ का मौसम कैसा होता है, बहुत गर्म और ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब होता है यानी उसके अंदर नमी होती है ना। और प्लांटेशन जो है ये बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा लेबर्स की यानी बहुत ज़्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो इसलिए मार्केट में मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है तो कॉफ़ी या टी के प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बहुत प्रॉफिटेबल है, काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या 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 उगाते हैं यहाँ पर, ये बेटा ये है कोकोआ, कॉफ़ी, टी, रबर
एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांटेशन. तो कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं जो कि इनमें मतलब इस प्लांटेशन में उगाई जाती हैं. ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उगाई जाती हैं. टी प्लांटेशन आर लार्ज डेवलप्ड इन इंडिया, श्रीलंका एंड चाइना. कॉफी प्लांटेशन डेवलप्ड इन श्रीलंका, इंडिया, अरेबिया, लाइबेरिया इन वेस्ट अफ्रीका एंड ब्राजील. तो कह रहे हैं टी प्लांटेशन कहाँ पर होती है ज़्यादातर, मतलब वैसे तो थोड़ी थोड़ी सब जगह होती होगी शायद, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर होती है, इंडिया में, श्रीलंका में और चाइना में होती है टी प्लांटेशन. कॉफी प्लांटेशन कहाँ पर होती है बेटा, श्रीलंका में, इंडिया में, अरेबिया में, लाइबेरिया में, वेस्ट अफ्रीका के और ब्राजील में होती है. ठीक है, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ब्राजील. रबर प्लांटेशन कहाँ होती है, इन सब जगहों पर होती है. शुगर केन प्लांटेशन इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, इंडिया एंड मॉरिशस. और शुगर केन प्लांटेशन कहाँ पर होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, इंडोनेशिया में होती है, क्यूबा में, इंडिया में और मॉरिशस में होती है. ठीक है बेटा, earlier the plantations were developed by the British, French and the Dutch with colonialism coming to an end. The plantations are now managed by the local residents of independent states. तो कह रहे हैं पुराने ज़माने में जो plantations थी इसको किसने develop किया था, अंग्रेजों ने किया था, French ने और Dutch ने, है ना, यानी Britishers ने, French ने और Dutch लोगों ने किया था इनको. लेकिन जब धीरे धीरे colonialism का end होने लगा तो उसके बाद वहाँ के जो local लोग थे रहने वाले उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया. ठीक है, यानी आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाया. चलिए हम नेक्स्ट बेटा 19.5 हमारी मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग क्या होती है देखते हैं. इट इज दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फार्म्स एंड कैटल आर आल्सो रियर्ड साइड बाय साइड. दिस प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इज क्वाइट पॉपुलर वेयर द साइज ऑफ फार्म इज मॉडरेट. सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट, मेज एंड बार्ले आर ग्रोन बट अलॉन्ग विद दैट रूट क्रॉप्स लाइक पोटैटोज एंड टर्निप्स आर आल्सो ग्रोन. तो ये कह रहे हैं बेटा देखिए मिक्स से हमें अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होगा, है ना, मिक्सचर होगा ये. तो कह रहे हैं कि ये जो फार्मिंग की वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं और फार्म्स के अंदर और साथ साथ कैटल्स को भी रियर करते हैं, यानी जानवरों को भी पाला जाता है. ठीक है, दोनों काम साथ हो रहे हैं, यानी फसल भी उगाई जा रही है और कैटल्स को भी पाला जा रहा है. कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है फार्मिंग की ये बहुत पॉपुलर है और जहाँ पर जो साइज़ है जो फार्म्स है वो मॉडरेट साइज़ के हैं, यानी बहुत बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, मॉडरेट साइज़ के हैं. और यहाँ पर क्या उगाया जाता है ज़्यादातर, जैसे वीट है, मेज़ है, मेज़ यानी मक्का है, ठीक है, बार्ले है और ये सब चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं. लेकिन साथ में क्या और उगाते हैं, पोटैटोज भी उगाए जाते हैं, टर्निप्स भी उगाए जाते हैं उन एरियाज में. ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर मिक्स फार्मिंग की जाती है, बीन्स, शुगर बीट्स, टबैको और अदर क्रॉप्स. तो कह रहे हैं कि बीन्स हैं, शुगर बीट्स हैं और टबैको ये भी वहाँ पर उगाया जाता है. फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा एंड ल्यूसर्न आर ऑल्सो ग्रोन. कह रहे हैं कि जो फॉडर बोलते हैं चारा, यानी जो गाय भैंस बकरी वगैरह का जो चारा होता है वो भी वहाँ पर उगाया जाता है, अल्फाल्फा और ल्यूसर्न. ठीक है, रेमिनेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ऑल्सो द फॉडर फॉर द कैटल. तो कह रहे हैं वैसे उनको जानवरों को ये उगाकर भी देते हैं, इसके अलावा जितना भी हिस्सा बचा हुआ है, जो भी मतलब जो भी झाड़ियाँ हैं, जो भी वीड्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सभी कैटल्स खा सकते हैं वहाँ से, वो भी उनका फॉडर ही हो जाता है. द एनिमल डंग इज यूज फॉर फर्टिलाइजिंग द सॉइल. कैटल फॉर बीफ, शीप फॉर मटन एंड पोल्ट्री आर रियर्ड फॉर बाय द फार्मर्स. तो कह रहे हैं एनिमल डंग का इस्तेमाल होता है मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए. इसके अलावा कह रहे हैं कि कैटल के तौर पर बीफ का इस्तेमाल करते हैं वो, शीप का इस्तेमाल मटन यानी खाने के लिए करते हैं ये लोग ज़्यादातर, और पोल्ट्री यानी मुर्गियों वगैरह को भी पालते हैं. ये सभी वहाँ पर फार्मर्स के द्वारा पाली जाती हैं, यानी उनको रियर किया जाता है. द फार्मर सप्लीमेंट्स हिज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ अ वैरायटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स. मिक्स फार्मिंग प्रोवाइड्स ग्रेटर सिक्योरिटी देन कल्टीवेशन सिंपल क्रॉप ओवर अ लार्ज एरिया. तो कह रहे हैं जो फार्मर हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो इनकम है वो कभी क्रॉप्स हो जाती है, कभी जो है वो लाइव स्टॉक्स हो जाती है यानी जानवरों के वजह से हो जाती है. तो इससे क्या होता है कि उनकी जो वैरायटी एक पूरी उनके पास वैरायटी है, यानी क्रॉप भी है साथ में और एनिमल्स भी हैं. तो ये जो है ये थोड़ा सेफ है उसके कंपैरिजन में कि अगर आप खाली फसल ही उगा रहे हैं तो, है ना, अगर पूरी फसल ख़राब हो गई तो उसके बाद फिर आपको पूरा टोटल लॉस हो जाएगा. ठीक है ना, तो इसके ऊपर दोनों काम किए जाते हैं. फार्मिंग इज रन इंटेंसिवली एंड एफर्ट्स आर मेड टू प्रोड्यूस हाई यील्ड्स पर हेक्टेयर. नेसेसरी मशीन्स आर यूज ऑन द फार्म्स. तो कह रहे हैं फार्मिंग को जो है इंटेंसिवली किया जाता है. इंटेंसिवली का मतलब क्या होता है बेटा, यानी जिसके अंदर लेबर ज़्यादा लगे, है ना, यानी बहुत सारे लोग मिलकर के इस काम को करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उग सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, है ना. जो मशीन ज़रूरी है वो मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है फार्म्स के ऊपर. Sometimes the cattle are fed on the standing crop. Animals need daily attention and thus family labor is fruitfully utilized. तो कह रहे हैं कई बार जो cattle हैं उनको जो खड़ी खड़ी क्रॉप्स होती है उसको खाने दिया जाता है. ठीक है ना, एनिमल्स जो है उनको बिल्कुल डेली अटेंशन चाहिए होती है, तो इसलिए फैमिली लेबर जो है वो बहुत काम आती है यहाँ पर, यानी जितने फैमिली मेम्बर हैं सब इसमें लगे रहते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड इंडिया. तो इस तरीके की जो फार्मिंग है कहाँ कहाँ पर होती है बेटा, यूरोप की ज़्यादा सभी कंट्रीज़ में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में और इंडिया में. The size of farm varies from 10 to 50 hectares in UK and other European countries, while it varies from 40 to 100 hectares in USA and Canada. तो कह रहे हैं कि यहाँ जो फार्म का जो साइज़ होता है वो 10 से 50 हेक्टेयर
के बीच में, मतलब इतना फर्क होता है यूके के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर जो होता है ये 40 to 100 हेक्टेयर का हो सकता है, ठीक है, जैसे यूएसए और कनाडा वगैरह में। तो ये इसका साइज का डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी यूएसए कनाडा में ये ज्यादा बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। ठीक है बेटा, आप देखते हैं हम सिक्स टाइप, इसका है नाम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है, 19.6 में है आपका ये। इट इज दैट प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच कैटल आर कैप्ट फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड एज अ साइड ऑक्यूपेशन ऑफ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर कूल विद गुड अमाउंट ऑफ रेन सो एज टू सपोर्ट ग्रास एंड फॉडर क्रॉप्स। तो कह रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा काम है, इसके अंदर जो एनिमल्स को, कैटल को जो है क्या करते हैं, रेयर करते हैं दूध, मतलब उनका मतलब जो दूध है और दूध के प्रोडक्ट्स जो है, यानी जैसे दूध है, दही है, या फिर चीज़ यानी पनीर है ना, मक्खन है, तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, उन सबका ही पूरा ट्रेड होता है, ठीक है ना। साथ साथ कह रहे हैं पोल्ट्री भी इसके अंदर एसोसिएट कर लेते हैं, पोल्ट्री का भी काम साथ में लगा लेते हैं, मतलब ये इस डेयरी फार्मिंग में ही हो जाता है ये वाला काम भी। कह रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग दुनिया के उन एरियाज में होती है जहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कोल्ड है, यानी वहाँ पर जो है ठंड है थोड़ी, और गुड अमाउंट ऑफ रेन यानी अच्छी बारिशें भी वहाँ पर होती हैं ताकि ग्रास वगैरह और फॉडर को यानी चारे को उगाने में आसानी हो, क्योंकि जब चारा उगेगा तभी जो है जो भी कैटल्स हैं उसको खाएंगे तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, है ना। इट इज लार्जली प्रैक्टिस अराउंड द अर्बन सेंटर सो दैट मिल्क इज इजीली सप्लाइड टू द टाउन ड्वेलर्स। दीज फार्म्स हैव प्रोविजंस फॉर एनिमल शेड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर विंटर फॉडर। मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक मिल्किंग मशीन्स एंड फीडिंग ट्रफ आर यूज्ड। मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे एरिया में ये ज़्यादातर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि इसका जो हमारे मिल्क फार्म्स होंगे वो कहाँ पर लगाए जाएंगे, वो सेंटर्स के करीब होंगे यानी शहर के करीब होंगे, ताकि जितने भी टाउन ड्वेलर्स हैं वो इजीली जो है शहर वालों को सामान बेच सकें, ठीक है। देखिए मिल्क जो है वो एक ऐसी मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कई कई दिन तक नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएगा, है ना, तो उसको जो है बिल्कुल सेंटर्स के करीब ही बनाने पड़ते हैं इनको डेयरी फार्म, ताकि वहाँ पर वहाँ से जो है इजीली सामान को ये फटाफट आगे पहुँचा सकें, है ना। तो कह रहे हैं कि जो फार्म्स होते हैं इसके अंदर एनिमल शेड्स वगैरह बनाए जाते हैं और बाकायदा स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी जो जो फॉडर है, जो चारा वगैरह है विंटर के लिए, वो स्टोर करके आराम से रख लिया जाए ताकि प्रॉब्लम ना आगे जाकर सर्दियों में, क्योंकि क्या होता है बहुत सर्दी अगर पड़ती है तो फिर फॉडर वगैरह उग नहीं पाता, है ना। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का प्रोविजन होता है जैसे मिल्किंग मशीन है, फीडिंग ट्रफ है, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग का मतलब होता है यानी जानवर की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है मॉडर्न मेथड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। डेयरी फार्मिंग इज बेस्ट डेवलप्ड इन ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, द नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस इन डेयरी फार्मिंग। तो क्या डेयरी फार्मिंग कहाँ, ब्रिटेन में ये सब जगहों के नाम है बेटा, सारी कंट्रीज हैं ये अलग अलग, इंडिया के अंदर भी इसके अंदर प्रोग्रेस की जा रही है, लेकिन अभी भी ये इतना लीडिंग नहीं है, है ना, इतनी लीडिंग कंट्री नहीं बना है कि इसका नाम अभी तक यहाँ पर इंक्लूड हो जाए, यानी इसमें कोशिश चल रही है, काम हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट है आपके ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ट्रक फार्मिंग इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अवे फ्रॉम द मार्केट्स। द वेजिटेबल्स आर टू बी सप्लाइड टू द अर्बन मार्केट्स। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट्स आर गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट। तो ट्रक फार्मिंग क्या होती है, इसके अंदर कल्टीवेशन आती है वेजिटेबल्स की। देखिए वेजिटेबल्स जो है वह एक ऐसी चीज है जो कि बहुत दिन तक नहीं रख सकते आप, है ना, एक रात के बाद ही क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, यानी अगर एक रात पहले वो उगी हुई ताजी हैं तो जैसे हरी सब्जियां ज्यादातर जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, बिल्कुल मुरझा जाती हैं, है ना, ये गल जाती हैं। तो ये जो है ये क्या होता है, कल्टीवेशन कहाँ पर की जाती है, ये मार्केट से थोड़ी दूरी पर की जाती है कल्टीवेशन, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो सप्लाई हो सके अर्बन मार्केट्स में, यानी जैसे सपोज कि सुबह तक जो है वो पहुंच जाए, यानी जब सामान सबको चाहिए होता है ना तो वो पहले से पहले अवेलेबल हो जाए, इतनी दूरी पर ये फार्म्स लगाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस होता है ट्रक फार्म्स का मार्केट से वो कितना होता है कि एक मतलब एक रात में ट्रक जितना सफर कर सकता है सिर्फ इतनी दूरी पर ये होती है ना, ज़्यादा दूर नहीं होती है। इट इज़ एन इंटेंस टाइप ऑफ फार्मिंग, इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग, फ्रेश वेजिटेबल्स आर टू बी सप्लाइड टू द अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द नीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। तो कह रहे हैं ये भी इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग है, इसके अंदर बहुत सारे लोग, इन्हें बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर भी, और फ्रेश वेजिटेबल्स सप्लाई किए जाते हैं अर्बन सेंटर्स को, ताकि जितने भी लोग हैं वहाँ पर रहने वाले सिटीज में और टाउन्स में उनकी नीड को कैटर कर सकें, उनकी नीड को पूरा कर सकें। इट इज डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए एंड कैलिफोर्निया एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कनाडा। तो कह रहे हैं कहाँ पर इसको ज़्यादातर प्रमोट किया जाता है, कहाँ डेवलप है ये, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है,
डेनमार्क है और नीदरलैंड्स हैं, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स यूएसए के हैं और कैलिफोर्निया है, या फिर कोस्टल एरियाज ऑफ कनाडा, इन सब जगहों पर जो है ट्रक फार्मिंग या हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाता है या डेवलप किया जाता है। ठीक है बेटा। द रिचनेस ऑफ इंडिया क्लाइमेटिक वेरिएशन अलाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स टू बी ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। मेन वेजिटेबल्स आर बीन्स, अनियंस, टमाटोज, कैरेट्स, पम्पकिन, कैबेज, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा। इंडिया ग्रोज वेजिटेबल्स ऑल द ईयर राउंड। तो कह रहे हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मतलब काफ़ी रिच है, यानी यहाँ पर सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, बाहर भी, सभी मौसम यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स को उगाया जा सकता है। ठीक है, हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स उग सकती हैं, उगाई जा सकती हैं। तो कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है बेटा, देखिए बीन्स हैं, अनियंस हैं, टमाटोज हैं, कैरेट्स, पम्पकिन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, तो ये सब यहाँ पर ग्रो होती हैं। ठीक है ना, तो इंडिया जो है इन सभी चीज़ों को उगाता है और हमारे यहाँ पूरे साल ही वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे साल लगभग सभी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें मिल जाती हैं, है ना। कोई भी वेजिटेबल अगर आप चाहते हैं, जैसे सर्दियों में आती है मटर, लेकिन आप गर्मी में भी इसको ले सकते हैं, वो बात अलग है कि वो कोल्ड स्टोर की होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अनअवेलेबल हो जाएगी और मिलेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज हॉर्टिकल्चर, दे आर इन ग्रेट डिमांड इन टाउन्स एंड सिटीज। बनानास, मैंगोज, एप्पल्स, पीचेस, वॉलनट, फिग्स, चेरीज, बेटा ये फिग्स है ना, फिग्स, चेरीज, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप्स आर द मेन फ्रूट्स। तो कह रहे हैं कि फ्रूट्स का और फ्लावर्स को उगाने को, यानी उसको डेवलप करने को क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा बहुत डिमांड होती है इनकी टाउन्स और सिटीज़ में, जैसे बनानास हैं, मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, पीचेज हैं, वॉलनट हैं, फिग्स हैं, वॉलनट बोलते हैं अखरोट को, फिग्स बोलते हैं उसको इंजीर को। ठीक है, चेरीज है, ऑरेंजेस है, लेमन ग्रेप्स है, तो ये सब बहुत मेन फ्रूट्स हैं जिनकी बहुत डिमांड होती है। फ्रूट फार्मिंग इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फार्मिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कह रहे हैं कि जो फ्रूट फार्मिंग है बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग है ये, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रूट फार्मिंग के लिए, कि आप जो है ना डिपेंड करते हैं किस पर, ट्रांसपोर्ट पर, यानी अगर आपका ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट मतलब लेट है या फिर रोड ख़राब है, तो आपके फ्रूट ख़राब हो जाएंगे और वो मार्केट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत ही मतलब एफिशिएंट होना चाहिए। द नीदरलैंड्स इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स कल्टीवेशन फॉर इट्स नेशनल फ्लावर द ट्यूलिप। ऑल द मेडिटेरेनियन कंट्रीज स्पेशलाइज इन फ्रूट फार्मिंग। खैर, नीदरलैंड जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है कल्टीवेशन के लिए, किस चीज़ की, अपने ही नेशनल फ्लावर यानी ट्यूलिप की। ट्यूलिप आपने देखा होगा, मतलब एक छोटा सा मतलब बंद सा फूल होता है वो। ठीक है, तो कह रहे हैं जितने भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं वो सभी फ्रूट फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इंडिया ग्रोज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ रोजेज एंड मैरीगोल्ड फॉर मार्केटिंग। इट ऑल्सो हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मैंगोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गुआवास, पीचेस, चीकूज एक्सेट्रा लार्जली ग्रोन इन इंडिया। तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रोजेज की और मैरीगोल्ड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज उगाता है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट भी उगाए जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, ये सभी भी बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में उगाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग देखिए बेटा, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच ऑल द फार्मर्स इन अ विलेज पूल देयर सोर्सेज टुगेदर वॉलंटियरली एंड मैनेज द फार्मिंग ऑपरेशन अंडर अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो कह रहे हैं कि ये एक तरीके की फार्मिंग की वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर सभी फार्मर्स क्या करते हैं, अपने सारे सोर्सेज जो हैं जितने भी इनके पास जरिए हैं वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही अपनी मर्जी से इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद फार्मिंग ऑपरेशन को एक साथ मिलकर सेटअप करते हैं। ठीक है ना, द लैंड ऑनर्स शेयर द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू द लैंड ऑन बाय देम। तो कह रहे हैं जो लैंड ऑनर्स होते हैं, जिनको जिनकी पास ज़मीनें होती हैं, उनको जो शेयर मिलता है यानी जो प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है उनकी ज़मीन के हिसाब से मिलता है, जिसकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है बेटा, इन कोऑपरेटिव फार्मिंग द फार्मर जॉइंस अ कोऑपरेटिव मेनली फॉर गेटिंग सर्विसेज विच आर बियॉन्ड हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो कह रहे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, वो फार्मर ज्वाइन कर लेते हैं कोऑपरेटिव मेनली, जिनकी जो सर्विसेज हैं, मतलब जैसे एक इंसान जो है अगर उसके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो वो अकेला उस पर काम नहीं कर सकता, है ना, तो उसमें क्या होता है सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो सारी की सारी जमीन पर इक्वली काम हो जाता है। ठीक है बेटा, द सिटीजन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेटर्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड लैंड विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन है कल्टीवेटर्स की, यानी जो किसान है उनकी एक एसोसिएशन है जो काम करती है किस लिए, ताकि बेटर यूटिलाइज कर सकें वो जमीनों को भी और मैन पावर को भी, यानी लोगों को रोजगार भी मिल जाए और ज़मीनें भी खाली ना पड़ी रह जाए, है ना, और लोग रोजगार भी ले लें और उनको इनकम भी हो सके उनकी। ठीक है बेटा, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म वर्क, दे परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एक्सेट्रा एंड अरेंज फॉर द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कह रहे हैं फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो क्या होती है, वो बेटा वो इंचार्ज होते हैं बाकायदा। ठीक है, हर मतलब फार्म वर्क का जितना भी काम है हर एस्पेक्ट का, हर तरीके से वो सारा काम देखते हैं, वो बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं। ठीक है, और जो है
और इसके साथ साथ जब चीज बन के तैयार हो जाती है तो उसको मार्केट तक पहुंचा देनी है, ठीक है, ताकि प्रॉपर अमाउंट मिल सके। कोऑपरेटिव्स आर वेरी यूजफुल आर वेरी सक्सेसफुल इन डेनमार्क, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन एंड इन इंडिया। इन इंडिया इट इज मेनली डन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कह रहे हैं कि ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है कहाँ पर होती है बेटा, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, नॉर्वे, स्वीडन में भी होती है और इंडिया में भी होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कहाँ पर होती है बेटा, महाराष्ट्र और गुजरात में होती है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी बेटा, देखिए हम नाइन्थ टाइप पढ़ रहे हैं हम, है ना। 19.9 के अंदर है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है? कलेक्टिव फार्मिंग इज वाइडली प्रैक्टिस इन सोवियत रशिया एंड सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेड रेडिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अ कलेक्टिव फार्मिंग इज अ वॉलंटरी प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑन कलेक्टिव लेबर विच एक्सक्लूड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ पर होती है, ये ज्यादातर कहाँ पर होती है बेटा, ये यूरोप में होती है और रशिया में होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कब से स्टार्ट हुई ये, कि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी जब रशिया का विघटन हुआ था, रशिया ब्रेकडाउन हो गया था, उसके बाद से जो है रशियन की गवर्नमेंट ने, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ रेडिकल चेंजेस किए थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, ठीक है। उन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग को जो है एक तरीके से क्या करा, उसको जो है पूरा का पूरा जो जितना भी फार्म्स वगैरह होते हैं वो सब किसने ले लिए, सोशल ओनरशिप में ले लिए, यानी समाज की है वो सब, यानी किसी एक इंसान का कुछ भी नहीं है ना, ये माना जाता है। और जो भी मतलब जो भी काम करते हैं वो भी कलेक्टिवली सब मिलकर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, यानी इंसान इंसान का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जिसके पास जमीन है तो वो तो बहुत ज्यादा सेठ बना फिरता है ना, और जिसके पास जमीन नहीं है उस बेचारे के पास जो है तो जमीन नहीं है, ऊपर से वो गरीब ही रहता है वो ना, यानी वो ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि वो बस साल भर में काम करता है खेत पर, उसको खेत के पर काम करने की वजह कुछ अनाज मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, सब मिलकर काम करते हैं और सबको प्रॉपरली बेनिफिट्स दिए जाते हैं। द फार्म इज मैनेज बाय अ कमिटी हेडेड बाय अ फार्म मैनेजर। तो कह रहे हैं कि बाकायदा एक जो फार्म है उसको मैनेज करती है कमेटी, एक मैनेज करती है कमेटी, हेड होता है उसका, ठीक है। द मैनेजिंग कमेटी एलोकेट्स वर्क टू डिफरेंट लेबर ग्रुप्स कॉल्ड ब्रिगेड्स। और जो मैनेजिंग कमेटी है यानी जो भी कमेटी है वो क्या करती है, वो अलग अलग ग्रुप को काम देती है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ब्रिगेड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। द वर्क डन बाय ईच मेंबर ऑफ द ब्रिगेड इज असेस्ड एंड हिज रिम्यूनरेशन इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। तो कह रहे हैं कि हर काम जो है वो हर मेंबर के द्वारा किया जाता है ब्रिगेड के, और उसको देखा जाता है, यानी कि खाली आपने काम दे दिया और छोड़ दिया नहीं, उसको बाकायदा असेस किया जाएगा, उसके हिसाब से ही उसको जो है जितनी मेहनत का उसका काम होगा उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। अगर बहुत मेहनत का काम है तो उसकी थोड़ी सैलरी ज्यादा होगी, अदरवाइज नॉर्मल सबकी बराबर ही होगी, है ना। द फार्मर्स आर गिवन हाउसेस ऑन द फार्म। फार्मर्स को जो है फार्म पर ही घर दिए जाते हैं ताकि वहीं रहें और वहीं पर आकर काम करना शुरू कर दें। दे हैव स्मॉल प्राइवेट प्लॉट्स विच कैन बी कल्टिवेटेड। बाकायदा उनको जो है छोटे छोटे प्लॉट्स दिए जाते हैं रहने के लिए, जो वो आराम से चाहे तो उसको भी कल्टिवेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई फसल उगा सकते हैं। दे कैन कीप फ्यू एनिमल्स फॉर देयर पर्सनल यूज, और वो जो है अपने लिए कुछ एनिमल्स भी रख सकते हैं ताकि वो अपने यूज के लिए, जैसे गाय भैंस वगैरह वो पाल सकते हैं। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन रशिया वेराइज फ्रॉम 250 हेक्टेयर्स टू 2000 हेक्टेयर्स। तो कह रहे हैं रशिया के अंदर क्या होता है कि एक फार्म का जो साइज है वो 250 हेक्टेयर से लेकर 2000 हेक्टेयर तक हो सकता है। बेटा रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ की है, वहाँ पर क्या होता है एक घर और बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से, और वहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, अब देखिए जैसे 250 हेक्टेयर 2000 हेक्टेयर की बात कर रही है ना, वहीं अगर हम यूके की बात करते हैं तो वहाँ पर कितना है, सिर्फ 40 हेक्टेयर तक की बात करी उन्होंने, है ना। तो अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा एरिया हो गया ये, जो कि वो किसको देते हैं, जो कि वो फार्मर्स को देते हैं ताकि वो वहाँ पर क्या करें, कल्टिवेशन कर सकें, ठीक है बेटा। अब आती है आपकी लास्ट टाइप, उसके बाद है बेटा स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग क्या होती है बेटा, स्टेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्टेट फार्म्स, इट इज टिपिकल ऑफ रशिया। स्टेट फार्म्स इन रशिया आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर फार्म वर्कर्स आर पेड एम्प्लॉयज। तो कह रहे हैं कि स्टेट फार्मिंग जो है वो कहाँ पर होती है, वो बाकायदा स्टेट फार्म्स में ही की जाती है, ठीक है। अब स्टेट फार्म्स क्या होते हैं, कह रहे हैं कि ये टोटली टिपिकल है, यानी सिर्फ रशिया में ही होती है, ये और कहीं नहीं होती। स्टेट फार्म्स जो है रशिया के वो किसके पास होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है ना। और उनके जो काम करने वाले फार्म वर्कर्स होते हैं वो बाकायदा पेड एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कंपनी में काम करने के लिए हमें सैलरी मिलती है, ये किसी भी आप जॉब, कोई भी आप जॉब करें तो ऐसे ही यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो जॉब करते हैं, उनको बाकायदा सैलरी दी जाती है। स्टेट फार्म्स आर वेरी लार्ज इन साइज एंड दे आर डेवलप्ड ऑन न्यू वर्जिन लैंड्स। तो क्या है, स्टेट फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में और उनको बिल्कुल नई नई जमीनों पर बनाया जाता है। वर्जिन मतलब होता है पहले उसके अंदर कोई भी फसल नहीं उगाई गई, बिल्कुल नई जमीन है ना। स्टेट फार्म्स आर बेसिकली रिसर्च फार्म्स। तो कह रहे हैं स्टेट फार्म्स जो है वो ज्यादातर क्या होते हैं, रिसर्च फार्म्स होते हैं वो। दे हैव अ रोल इन लीडिंग इन इंप्रूविंग एग्रीकल्चर इन रशिया। तो कह रहे हैं इनका काफी रोल है कि ये रशिया के अंदर क्या कर रहे हैं कि इम्प्रूव कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, बाकायदा रिसर्चेस वगैरह हो रही है कि किससे क्या फायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, ये सब भी ध्यान रखते हैं। द
The use of agricultural machinery, scientific methods of farming and diversification of crops have improved production of agricultural crops. तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं फार्मिंग के, ठीक है। इसके अलावा क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाता है, ठीक है ना। यानी कभी जैसे एक ही जमीन के ऊपर कई सारी फसलें उगाती हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। कुछ चीज़ों को मिलाकर के कोई नई चीज़ बनाकर उगाती है, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्या होता है बेटा, इससे जो है प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो बहुत अच्छा हो जाता है। और बहुत सारी तब्दीलियां भी रशिया में आ रही हैं इसी की वजह से, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपकी टाइप्स हो गई पूरी, कितनी फार्मिंग की टाइप्स हो गई, हमारी 10 टाइप्स हो गई। अभी भी इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं जो अभी रहती हैं, इन्होंने मोटे मोटे तौर पर ले लिया है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फार्मिंग तो की जाती है, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, दूसरा ये कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत डिफरेंट है। यानी कहीं पर जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ ठंड रहती है ना, साउथ की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल ह्यूमिड सीजन रहता है, ह्यूमिड रहता है वहाँ पर, है ना, ह्यूमस बहुत ज़्यादा है वहाँ की मिट्टी में। महाराष्ट्र में भी बहुत ह्यूमस है, ठीक है। दिल्ली और यूपी की बात करते हैं, बारिश तेज है और धूप भी बहुत अच्छी है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर पहाड़ भी है हमारे इंडिया में, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है खाने पीने की बहुत ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। चाहे वो फ्रूट्स की हों, चाहे वो फ्लावर्स की हों, या फिर चाहे वो वेजिटेबल्स की हों। तो देखिए, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या प्रैक्टिस वर्क है। देखिए बेटा, आपका प्रैक्टिस वर्क है, प्रैक्टिस वर्क में क्वेश्चन है आपका ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड एंड थर्ड तो आप कट कर दीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ हम करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर देखने के लिए आ जाइए पेज नंबर 143 पर। ये देखिए लिखा हुआ है, स्टेपी लैंड्स ऑफ रशिया, प्रेरीज ऑफ कैनेडा एंड यूएस, पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से लिखेंगे। बेटा अर्जेंटीना तक लिखने के बाद लिखेंगे आप आर नॉन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए फोर्थ का है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कह रहा है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं बेटा, तो हम शिफ्टिंग फार्मिंग को बोलते हैं ना। शिफ्टिंग फार्मिंग ऐसे लिखेंगे आप, इज नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बी देखिए, बी के अंदर आपकी मैचिंग है। तो देखिए मैचिंग के अंदर ना यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहाँ पर क्या कहा जाता है ना, ज़्यादातर वो वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। देखिए रोका, तो फर्स्ट है रोका, तो रोके का क्या आ जाएगा, ब्राज़ील, है ना। उसके बाद है मिल्प्स, तो मिल्प्स का आ जाएगा बेटा सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। थर्ड है आपका केंगिन का आ जाएगा बेटा फिलीपींस। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की एग्रीकल्चर को, है ना। उसके बाद बोलते हैं, फिर आता है आपका पंपास कहाँ पर होता है बेटा, अर्जेंटीना में होता है ये। फिर आता है ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, मिड लैटिट्यूड्स ग्रासलैंड्स को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी 6 की 6 मैचिंग हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका टिक द करेंट ऑप्शन के अंदर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग इज एंड। तो ट्रक फार्मिंग क्या है बेटा, तो ये एक इंटेंसिव फार्मिंग है ना, इट मीन्स कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सेकेंड आता है डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ, कहाँ पर होती है ये, हाई रेनफॉल वाले एरियाज में, है ना, यानी जहाँ पर तेज़ बारिश होती है और ठंडा मौसम होता है वहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। उसके बाद थर्ड आता है मोनोकल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ, मोनोकल्चर के अंदर क्या चीज़ें ग्रो होती है बेटा, तो उसके अंदर वन क्रॉप होती है ना। मोनो मैंने आपको बताया था, मोनो मीन्स वन, ठीक है, तो वन क्रॉप होती है, वो किस किस की हो सकती है, वो टी की भी हो सकती है, कॉफ़ी की, कोकोआ की, ठीक है, शुगर केन की, इन सब चीज़ों की हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नॉन एज, तो कह रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो माना जाता है, क्या मानते हैं बेटा उसको, फर्स्ट है सेडेंटरी एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव। तो बेटा स्लैश एंड बर्न है ना, अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था ये। उसके बाद है पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर देयर फूड आर नॉन एज, कह रहे हैं वो लोग जो जगह जगह जाते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो वो नॉमैड्स कहलाते हैं, नहीं बंजारे, ठीक है, तो ये इस पर लगा देगा टिक आप। उसके बाद फिलप्स देखिए, फिलप्स के अंदर है एग्रीकल्चर इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स एज इट प्रोवाइड्स फूड, कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मूल रिसोर्स है, संसाधन है, किस चीज़ का, फूड का, यानी खाना के ज़्यादा सामान हमें इससे मिलता है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में हम सिर्फ फूड ही ग्रो करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हम एग्रीकल्चर में ही ग्रो करते हैं ना। इन इंडिया शिफ्टिंग फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय द नोमैड्स, तो शिफ्टिंग फार्मिंग कौन करता है इंडिया में, नोमैड्स करते हैं। ट्रक फार्मिंग इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अवे फ्रॉम द मार्केट्स, तो ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, वेजिटेबल कल्टीवेट की जाती है, वो भी मार्केट से दूर, ठीक है, और कितनी दूर, इतनी दूर होती है कि एक रात में ट्रक उतना सफर तय कर लेता है आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ आता है द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं फल और फूल उगाने को बोलते हैं। उसके बाद है द नीदरलैंड्स इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स कल्टीवेशन ऑफ इट्स नेशनल फ्लावर द ट्यूलिप,
तो कह रहे हैं कि नीदरलैंड मशहूर है किस काम के लिए, कि वो कल्टीवेट करता है क्या नेशनल, अपना है नेशनल फ्लावर ट्यूलिप को, है ना। तो ये कहाँ की बात है, नीदरलैंड्स की बात है। उसके बाद देखिए सी आता है, इसमें राइट रॉन्ग है। तो राइट रॉन्ग के अंदर है शिफ्टिंग फार्मिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। शिफ्टिंग फार्मिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं, नहीं है ना, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट लैंड होती है लेकिन ऑफिसर्स नहीं करते हैं, नॉमैड्स करते हैं उसको, ठीक है। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड झूम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कहते हैं, यस इट इज ट्रू। उसके बाद आया द कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस मेंट फॉर सप्लाइंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, ठीक है, ये भी ठीक है बेटा, इसको भी टिक कर देंगे हम। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द यूएसए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो यूएसए में की जाती है, ठीक है बेटा ये वाला भी। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का, तो ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, ये सभी क्वेश्चंस वगैरह हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर देखिए फर्स्ट वर्ड है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, क्या है कि मेन फीचर्स क्या है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के। और उसके बाद देखिए गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग की कुछ खासियत बतानी है आपको। थर्ड है आपका व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स बाय व्हिच शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस किस नाम से जानी जाती है वो बताना है आपको। उसके बाद आया मेंशन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेडेंटरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सेडेंटरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर की खासियत बतानी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। मेंशन द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कह रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताना है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से हो रही है। बड़े ही पांचों ही आंसर्स आपको पेज 143 पर मिलेंगे, इसे एक साथ समझा दिए। चलिए चलते हैं, आप देखिए बड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हॉस्पॉट हो जाएगा, काफी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये क्लैश कर रहे हैं पॉइंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। डी का फर्स्ट आंसर है हमारा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दिस को काट के आप लिखेंगे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे इसको। और यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो इंपॉर्टेंट पूरा ही पैराग्राफ है लेकिन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये सारे आंसर अगर इतने बड़े बड़े होंगे, तो इसलिए आप यहाँ तक लिखिए इसको। उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ से, वीट इज द, ठीक है, तो यानी इसके दो पॉइंट्स हो रहे हैं आपके, एक पॉइंट तो ये हो गया ए वाला और एक पॉइंट ये हो गया आपका बी वाला। इसमें क्या होगा, वीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स आर कॉर्न बार्ले राय ओट्स एंड कॉटन, यहाँ तक हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया आपका डी का फर्स्ट आंसर। अब डी का सेकंड देखिए, डी का सेकंड देखने के लिए आप क्या करेंगे, एज इट इज जिसको काट कर आप लिखेंगे प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग इज बेसिकली अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग, इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे बिकम्स मार्केट ओरिएंटेड, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, तो इसका एक पॉइंट तो ये हो गया ए वाला। अब बी पॉइंट में यहाँ से लिखेंगे आप इसका कोकोआ कॉफी टी रबर, ये इसके एग्जांपल्स हैं, एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स इंक्लूडेड प्रोड्यूस्ड इन प्लांटेशंस, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ये हो गया डी का सेकंड आंसर आपका। अब डी का थर्ड देखिए बेटा, डी का थर्ड देखिए आप, यहाँ पर देखिए शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग इज नॉन एज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और अगले में लिखा हुआ है ब्राजील एटसेट्रा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी का थर्ड आंसर। उसके बाद डी का फोर्थ देखिए आप, डी के फोर्थ आंसर में आपको क्या करना है, सेडेंटरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, तो यही आ जाइए इसके नीचे, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे ना दिस टाइप ऑफ, इसको काट कर लिखेंगे सेडेंटरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, ये पूरा नाम ऐसे ही आएगा। उसके बाद लिखेंगे फार्मिंग इज डन ऑन अ परमानेंट बेसिस, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे पूरा और यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, वर्क ऑन द फील्ड्स, तो ये तो हो गया उसका ए पॉइंट। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स चाहिए, है ना, कि क्या क्या उगाया जाता है इसके अंदर, तो ये ए पॉइंट डाल लीजिए इसका और इसकी एग्जाम्पल देंगे आप ये, इस तरह लिखेंगे राइस इज द मेन क्रॉप एंड वीट बार्ले मेज कॉटन मिलेट्स शुगर केन ऑयलसीड एक्सेट्रा आर द अदर क्रॉप्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए, तो ये आपने लिखना, ये पूरा पैराग्राफ लिखना है उसके बाद आपको ये लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा ये बी पॉइंट हो जाएगा, है ना, ये ए हो गया, इसका बी हो गया, बहुत ध्यान से लिखेंगे पॉइंट बनाकर ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद डी का फाइव को, डी का फिफ्थ देखिए, अब डी का फिफ्थ भी यहीं पर ही बिल्कुल आपके पास ही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लीड्स टू सॉइल इरोजन, यानी आपको ये बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की क्या क्या नुकसान आते हैं ना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज वाई शिफ्टिंग फार्मिंग इज बीइंग डिस्करेज्ड नाउडेज, ठीक है, ये छोटा सा आंसर है आपका डी का फिफ्थ, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं डी का सिक्स आंसर, तो बेटा देखिए सिक्स में है राइट व्हाट यू नो अबाउट हॉर्टिकल्चर, कहना है कि आप हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या जानते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, यानी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को जब हम ग्रो करते हैं डेवलप करते हैं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो यही जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए इसका आंसर कहाँ से देखेंगे हम, बिल्कुल छोटा सा आंसर है इसका बेटा, द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज हॉर्टिकल्चर, बस इतना सही लिखना है आपको, ठीक है ना, ये हो गया आपका डी का सिक्स आंसर।
नेक्स्ट देखिए D7 मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेट फार्म्स. स्टेट फार्म्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बतानी है आपको, यानी क्या क्या खासियतें हैं उसके अंदर वो बतानी है. तो आइए इसके आंसर के लिए पेज नंबर 146 पर. बेटा देखिए यहाँ पर आप किस तरह लिखेंगे, आप फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, पहले तो क्वेश्चन से लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेट फार्म्स, ठीक है. उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्टेट फार्म्स, इट इज टिपिकल ऑफ रशिया. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ए हो गया ये आपका. उसके बाद लिखेंगे स्टेट फार्म से लेकर के अगले लाइन में लिखा हुआ है पेड एम्प्लॉयज, ये हो गया आपका बी पॉइंट. उसके बाद लिखेंगे स्टेट फार्म से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, सी पॉइंट है आपका. अगले लाइन में लिखा हुआ है वर्जिन लैंड्स, तो ये सी पॉइंट हो जाएगा. उसके बाद आपका फोर्थ आएगा स्टेट फार्म्स आर बेसिकली रिसर्च फार्म्स, तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका डी, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका डी के 7 का आंसर. समझ में आई बात. चलिए आगे देखते हैं डी का 8 देखिए बेटा. मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइप एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. तो बेटा फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को की वृद्धि पर विकास पर जो है असर डालती है, ठीक है. तो इसका आंसर देखने के लिए पेज 142 पर. देखिए बेटा यहाँ से इसका आंसर द डिग्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से लिखेंगे और अफेक्ट एग्रीकल्चर यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा डी का 8 आंसर, ठीक है. तो ये डी पार्ट में हमारे 8 आंसर्स थे शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये हमने पूरे कर लिए. देखिए बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट. ई पार्ट के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है. तो 3 के अंदर से आप फर्स्ट एंड थर्ड तो कट कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है फर्स्ट क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है कि थोड़ा लेंथी ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपके लिए राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना. तो हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे. सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेम द मेजर एग्रीकल्चरल टाइप्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम. तो एंड एक्सप्लेन ये सब काट दीजिए आगे का, बस टाइप्स का क्वेश्चन लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में, ठीक है. नेम द मेजर एग्रीकल्चरल टाइप्स, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे द मेजर एग्रीकल्चरल टाइप्स आर, उसके बाद हमने जितने भी पढ़े हैं, ठीक है ना, पूरे 10 के 10 आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है. एक बार देख लीजिए, बता देती हूँ आपको. तो ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है आपको इसका. उसके बाद आएगा सेडेंटरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर, उसके बाद आएगा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, उसके बाद प्लांटेशन फार्मिंग, उसके बाद आएगा मिक्स फार्मिंग, उसके बाद आएगा बेटा डेयरी फार्मिंग, उसके बाद लिखेगा बेटा ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर, उसके बाद लिखेंगे आप बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग, उसके बाद लिखेंगे कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है. 9 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर आपके. लास्ट में आप लिख देंगे बेटा स्टेट फार्मिंग, ठीक है. तो ये सारे सारे इसके टाइप्स हो जाएंगे. एक्सप्लेन हमने इनको इनमें से कई सारे कर ही दिए ऊपर क्योंकि क्वेश्चन में आया है वो, तो इसलिए अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर. सभी क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं आपके, चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़.